महादेव चलिए बनाते हैं करौंदे की खट्टी मीठी चटनी। 500 ग्राम मैंने करौंदा लिया है, करौंदे को अच्छे से धो लिया है और इसे दो पीसेस में कट करके, इसके बीच में बीज होते हैं, बीज मैंने निकाल लिया है। इसी तरीके से सारे करौंदे के बीज निकाल लिए हैं मैंने। कढ़ाई मैंने गर्म पानी होने रख दिया था, यहाँ पे देखिए मैंने करौंदे को डाल दिया और 4 से 5 मिनट तक उबलने दिया है। करौंदे हमारे सॉफ्ट हो जाए तो इसे निकाल के ठंडा कर ले और उसके बाद मिक्सी के जार में इसे पीस ले, बिल्कुल बारीक पीसे आप। कढ़ाई मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है, तेजपत्ता लिया, 5 फोरन लिया है और यहीं पर हम करौंदे का पेस्ट डाल के अच्छे से भून लेंगे। हल्दी डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए और तीखा लाल मिर्च और नमक डाल के इसे भून लिया है। 400 ग्राम मैंने चीनी डाला है, चीनी जब मेल्ट हो जाए तब यहाँ पे हम काला नमक डाल देंगे थोड़ा सा और भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे। बनकर तैयार है हमारे करौंदे की चटनी। इसे आप स्टोर करके 6 से 7 महीने तक आराम से खा सकते हैं।